हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक समर कूलर रिफ्रेशर ड्रिंक, वाटरमेलन का जूस किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही जल्दी बन जाता है और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तरबूजे की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में ये सस्ता और बहुत ही अच्छी तादाद में मिलता है। अच्छी क्वालिटी का तरबूजे का जूस हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसे पीने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है और बहुत ही तरोताजगी बनी रहती है। आइए बनाते हैं इस ड्रिंक को जल्दी से और देखते हैं इसके इंग्रीडियंट्स। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमने एक बाउल में या एक कटोरी समझ लीजिए पुदीने के पत्ते लिए हैं। एक गड्डी पुदीना में से हमें आधा गड्डी पुदीने का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हमने एक पूरा बड़ा बाउल तरबूजे का ले लिया है। ये हमने अंदाजे तौर पे 2 किलो तरबूजे का इस्तेमाल किया है, जिसमें से हमारा इतना तरबूजा अलग बाकी रह गया है। और साथ में इस्तेमाल किया है काला नमक का और आधा नींबू। तो इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले हम तरबूजे के मोटे पीसेस कर लेंगे। इसके बीजों को आप निकाल सकते हैं और अगर ना निकाल पाए तो कोई खास बात नहीं है, ये स्ट्रेनर में पहले ही अलग हो जाएंगे। इसके हमने मोटे पीसेस कर दिए हैं और अब हमने सारा तरबूजा अपने ब्लेंडिंग जूसर जार में डाल लिया है। स्वाद के अनुसार हमें काला नमक ऐड करना है। यहाँ हम 1/2 टीस्पून जितना काला नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। आप कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। और आधा नींबू का रस इसमें हम मिला रहे हैं। अगर आप इसका मॉकटेल बनाना चाहें तो आप इसके साथ में सोडा या कोई भी एरिएटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई फ्रूट जूस जैसे कि मैंगो फ्रूटी भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो यह आपका इस तरह से कॉम्बिनेशन में आपका मॉकटेल बन जाएगा। अब इसमें हम सभी पुदीने की पत्तियों को डालेंगे और इसे एक बार मिक्सी में 10 से 12 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमारा कंसंट्रेट जूस अब तैयार है। इसमें मिंट की लीव अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं और अब हम इस जूस को छानेंगे। अगर आपका तरबूजा कम मिठास में हो तो आप इसमें पाउडर चीनी मिला सकते हैं। और वैसे तो सीजन का तरबूजा हमेशा ही बहुत मीठा होता है। तो ये हमारा जूस तैयार हो गया है और इसके साथ में हमने मिंट डाला है, क्योंकि मिंट भी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए और मिंट के फ्लेवर से किसी भी तरह का जूस सुपर डिलीशियस हो जाता है। अब हम अपने जूस को ग्लासेस में चिल सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा जूस बिल्कुल तैयार है और अगर आप इसको बीज निकाल कर के बनाएंगे तो ये और भी स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ड्रिंक बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और अच्छे नई रिफ्रेशिंग रेसिपी वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।